अरे इसमें को तो मत धन्यवाद मेरी जवानी का चर्चा करने के लिए। हाँ और मैं बहुत देर से टिश्यू पेपर मांग रहा हूँ। मैंने मित्र कहते क्या होगा, मेरी नजर इस पे थी कि इस पे लिपस्टिक लगा हुआ है। अरे भूल से मेरे हाथ पे लग गई तो घर जाके बहुत पिटाई हुई। इसीलिए उसको पोज देता हूँ हाथ से। सही बात है, क्योंकि छोटे भाई सब भी हैं और चुगली करने में बहुत आगे है। ठीक है, और हमारे सामने पहले बात शुरू करूं उससे पहले नाश्ता पानी भी चल गया, लेकिन देख रहे असर उल्टा हो गया, सुस्ती आ गई, ताली नहीं आ रही है। तो एक बार तालियां बताइए जोरदार। पहले भी पीछे बहुत अच्छा लोग पढ़ के गया है, आप लोग जूस पी लिए, कॉफी ले लिए, कहां असर हो गया कि इतनी सुस्ती आ गई। ठीक है, अब भाई देख रहा हूँ लाल है कि भूखी है, कहीं बात भी चेक हो जाएगा। तो शुरू करता हूँ, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, सारे लोग उपस्थित हैं, पत्रकार महोदय भी हैं। तो जज साहब सामने हैं, तो उनको देख के ख्याल आया कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज था कि वादी और प्रतिवादी दोनों जानता है कौन गलत है। वादी और प्रतिवादी दोनों जानता है कि कौन गलत है। हमेशा जो है कि ट्रायल जज साहब का होता है, ट्रायल में ये रहते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, और 15 अगस्त का दिन है और इतने पाक मौके पर इतनी अच्छी नीयत से मुशायरा और बहुत कम समय में इसको अमली जामा पहनाया गया है, तो उस पर अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत ही गलती रह गई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो मैसेज चलते हैं अगर उनको पढ़िए तो लगता है कि हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, एकदम आग लगी हुई है। तो उस चीज पर नहीं जाना है, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। मैं कह रहा हूं कि हालात इतने भी तो बदहरास नहीं लगते, हालात इतने भी तो बदहरास नहीं लगते, हवा में आवाज और जर्रे लाख नहीं लगते, हालात इतने भी तो बदहरास नहीं लगते, हवा में आग और जर्रे राख नहीं लगते। ये वही मुल्क है, ये वही मुल्क है जहां भेजी थी राखी हुमायूं को हिंदू रानी ने। ये वही मुल्क है जहां भेजी थी राखी हुमायूं को हिंदू रानी ने, और अकबर की गूंजी थी किलकारी हिंदू घराने ने, और अकबर की गूंजी थी किलकारी हिंदू घराने ने। तो ये ऐसा देश है, सदियों के भाईचारे की परंपरा है। और अगर आप सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी को अटेंड न करें तो बड़े खुश रहेंगे। ठीक है, तो अभी भी चौपालों पे हिंदू सलाम तो मुस्लिम राम राम कहते हैं। इस देश का मिजाज बता रहा हूं, और अच्छा लगे तो ताली आनी चाहिए। अभी भी चौपालों पे हिंदू सलाम तो मुस्लिम राम राम कहते हैं, और हुक्के का कश खींच के साथ में सियासत को आईना दिखाते हैं, और हुक्के का कश खींच के साथ में सियासत को आईना दिखाते हैं। अभी सफर में हुई आ रहा हूं और दरगाह पे चादर चढ़ाई है, हरिद्वार गया था तो वहां कलियर साहब के मजार पे गया था, तब लिखा था कि अभी सफर में हुई आ रहा हूं, दरगाह पे चादर चढ़ाया है और अपने ही जैसे तमाम सिरसिलों को यहाँ सजदे में पाया है, और अपने ही जैसे तमाम सिरसिलों को यहाँ सजदे में पाया है। फिर कहां लगी है आग, फिर कहां लगी है आग जो नजर नहीं आती, फिर कहां लगी है आग जो नजर नहीं आती। खास चश्मे नजर चाहिए या नीयत में बदगुमानी चाहिए, कोई खास चश्मे नजर चाहिए या नीयत में बदगुमानी चाहिए। काम को मत बांटिए, काम को मत बांटिए मजहबी रंगों में, काम को मत बांटिए मजहबी रंगों में। मैंने दंगों में सिर्फ इंसान जलते देखा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, वो इंसान होता है, वो किसी का पूरा संसार होता है। तो काम को मत बांटिए मजहबी रंगों में, मैंने दंगों में सिर्फ इंसान चलते देखा है, और शहीदों को तिरंगे में लिपटा देख पूरा मुल्क लगता हो जहां। आखिरी लाइन है, शहीदों को तिरंगे में लिपटा देख पूरा मुल्क लगता हो जहां। वहां मत पोछी आंसू भगवा हरे जुमानों से, वहां मत पोछी आंसू भगवा हरे जुमानों से। हालात इतने भी तो बदहवास नहीं लगते, हवाओं में आग और जर्रे राख नहीं लगते। तो ये ऐसा खूबसूरत मुल्क है और इसको यूं ही बने रहने दीजिए। कुछ लोग अपनी पुलकित मानसिकता से इसको हमेशा कुछ ना कुछ खुरपेज करते रहते हैं, तो उनसे हमको आपको दूर रहना है। अब यहाँ हर उम्र के लोग हैं,
और सभी लोग अपनी कहानी के हीरो होते हैं। सुनील साहब चाचा जी अपनी कहानी के हीरो हैं और सब लोग जो जिनके कुछ दांत है कुछ नहीं है सारे लोग अपनी कहानी के कभी न कभी हीरो रहे हैं। थोड़ी सी हल्की फुल्की रचना है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुरीले ना सही, सुरीले ना सही पर लबों पे तेरे ठहरे हैं। सुरीले ना सही चाहे जैसे भी हो, सुरीले ना सही पर लबों पे तेरे ठहरे हैं। दिल में ना सही पर आंखों में तेरे ठहरे हैं। वाह वाह वाह। दिल में ना सही पर आंखों में तेरे ठहरे हैं। और सामने से तुम जब कभी गुजरी तो चुप ही रही, सामने से तुम जब कभी गुजरी तो चुप ही रही पर तेरी सहेलियों की ठिठोली में ठहरे हैं हम। सामने से अपना अपना कॉलेज लाइफ याद आना चाहिए, गली मोहल्ला है ना, कि सहेलियां कुहनियाने लगते कर देखो देखो जा रहा तो उतना ही काफी होता है कि भाई किस में आग इधर भी लगी है ना। तो उसी पे है कि सामने से तुम जब कभी गुजरी तो चुप ही रही पर तेरी सहेलियों की ठिठोली में ठहरे हैं हम। तेरी जुल्फों को चेहरे से टारने की ख्वाहिश में, तेरी जुल्फों को चेहरे से टारने की ख्वाहिश में मुद्दतों से हंसी खराब की तामीर में ठहरे हैं हम। कब वो रात आए कि इस जुल्फों में टारू, मुद्दतों से हंसी रात की तामीर में ठहरे हैं हम। और सात जन्मों के वादों को बेशक नहीं जानता, सात जन्मों के वादों को बेशक नहीं जानता पर इस जन्म में तो तुम पे ही ठहरे हैं। वाह, इस जन्म में तो तुम पे ही ठहरे हैं। और अनजान नहीं था तेरे पोशीदा इश्क से ज्यादा, गौर फरमाइएगा, अनजान नहीं था तेरे पोशीदा इश्क से नादान, तेरे इनकार के बाद भी तेरे वास्ते ठहरे हैं हम। वाह वाह, तेरे इनकार के बाद भी तेरे वास्ते ठहरे हैं हम। तो ये ऐसा मिजाज है और बनारसी इश्क होता है तो बस नूर होता चला जाता है। और लाइन लंबी है और चूंकि कन्वीनर की हैसियत अगर मैं मंच पे ज्यादा समय तक रह गया तो यह दिक्कत हो जाएगी। और कोरोना काल के प्रोटोकॉल के बाद पहली बार मंच मिलना तो भूख बहुत है सुनाने की, पर विराम लेता हूं। ठीक है, धन्यवाद।